हमको रोड जरूर चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, विकास, पर ऐसा विकास नहीं कि जिससे हमारा विनाश हो। चंडी प्रसाद भट्ट एक प्रसिद्ध पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनका जन्म उत्तराखंड के गोपेश्वर 1934 में हुआ था। उनकी पर्यावरण की यात्रा 1970 के दशक में शुरू हुई, जब उन्होंने चिपको आंदोलन की नींव डाली। पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास में योगदान के लिए उन्हें कई सम्मान और पुरस्कार मिले हैं। 1982 में उन्हें सामुदायिक नेतृत्व के लिए प्रतिष्ठित रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2005 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण भी उन्हें मिला। 2013 में उन्हें गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए उनसे बातचीत करते हैं। वर्तमान स्थिति के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं? आजकल अब आप समझ लीजिए, जो सीमेंट का आंदोलन जो है, ये जो नया वो हुआ, तो वो एक साल से लोग कर रहे थे, और जब वहाँ के जो नेता हैं वो देहरादून गए, उन्होंने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और तब राष्ट्रीय पेपरों में आया, अंग्रेजी हो, तब दौड़े दौड़े सब आए। माने आज तक एक साल पहले जब लोग कह रहे थे, तो आज तक तो वहाँ अभी भी सुरक्षात्मक कोई काम नहीं हो रहा, लोगों के रिलीफ का काम हो रहा है, बचाव का, राहत का, लोगों के मकान इत्यादि बनाए, लेकिन वो पहाड़ी रुके कैसे, इस पर कोई काम नहीं है। जैसे मैंने बताया ना, उस 76 में हमने पेड़ लगाए, हमसे वही हो सकता था, एक साल तक ये चुप रहे। आज तक तो यदि पत्थर की दीवार बनाते नीचे, जहाँ टो कटिंग कर रहा है ना, मैंने उसी समय कहा था कि अलकनंदा टो कटिंग कर रहा है, ऊपर भी कुछ काम हो रहा है, इधर से सुरंग बन रही है प्रोजेक्ट की, तो वो शहर कैसे सुरक्षित रहेगा? तो आज भी बचाव के लिए कुछ नहीं हो रहा है अभी तक। अब आगे क्या होता है अलग बात, इनकी कमेटियों में कमेटी बन, लेकिन मेरे जो उस समय का पत्र का वो था ना, इसकी सुरक्षा के लिए ये होना चाहिए, उस समय कुछ हुआ ना। आज तो गड़बड़ ज़्यादा हुआ ना, जो निरोधात्मक वो था कि प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं होना, ये उसकी तो अवहेलना हुई ना। चंडी प्रसाद जी, आप भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं? अब जैसे जोशीमठ के बारे में जो मैंने उस समय पत्र लिखा, उसमें समस्या भी बताई थी, समाधान भी बताया था, और उस पर हमने पहले शुरुआत की, और शुरुआत के अलावा कार्यक्रम भी किया, लेकिन उसमें साफ लिखा है जो मैंने इंदिरा गांधी को लिखा है कि इस यदि इस पर वो नहीं हुआ तो आगे चल करके बहुत वैसा दुष्प्रभाव पड़ने वाला है, और ये केवल वहीं के लिए नहीं, क्योंकि लोग तात्कालिक प्रभाव के लिए ना कुछ का कुछ कर देते हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे जो उस समय का पत्र लिखा ना, कि जोशीमठ में क्या क्या, एक तो कारण बताए, इस कारण ये दरार है, माना आज जो वैज्ञानिक कह रहे हैं वो घेर फेर करके वही बात कह रहे हैं जो ये कमेटियां बना रहे हैं ना, उसके और उसके समाधान के लिए भी कि क्या क्या होना चाहिए। और पहले प्रत्यक्ष किया, जैसे भिखारी कवि पहले अपना पैसा डालता है तब सबका, तो उसका सरकार कहा नहीं कि सारे प्रशासनिक अधिकारी आए, उन्होंने दरार देखी, सूझबूझ की आंखें थी, तो उस समय तत्काल उस पर कार्यक्रम। आज मतलब यह अभी तक जो मेरे समझ में आया कि होना तो ये चाहिए था ना कि इलाज से बेहतर उस पर मतलब कि पहले से वो कर देना, परहेज वाली जो बात है, परहेज करो तो फिर गड़बड़ी नहीं होगी, तो जो परहेज वाली जो बात है वो आज बिल्कुल। और हिमालय को या तो ये बोलना छोड़ दें ना, जो वो कर रहे हैं कि साहब हिमालय युवा पहाड़ है, उन वैज्ञानिकों को कहें कि तुम्हारी बातें गलत हैं,
यदि ये सब है तो यहाँ पर जो भी कार्यक्रम हो वो सोच समझ करके पहले विषय विशेषज्ञों को, जब गड़बड़ी होती है, आज जोशीमठ में हो रहा है तो कम से कम 5-7 विषय विशेषज्ञों की कमेटियाँ बन रही हैं, ये तो ये पहले ही क्यों नहीं करते हम? जब आज तो हालत ये है ना, जो घंटी हिमालय बार बार बजा रहा है, जो चिट्ठी भेज रहा है वो आप रद्दी में डाल रहे हैं, जो ये लैंडस्लाइड इत्यादि जगह जगह नुकसान हो रहा है, माने यहीं का आप छोटी चिट्ठियों को तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन 2013 की जो वो है प्रलयकारी बाढ़ और उन 2021 का जो है, तो ये तो बहुत बड़ी चेतावनी है ना। इन चेतावनी के बाद भी आप की समझ में कमी है, जो चेतावनियाँ हैं तो इन चेतावनियों को समझना चाहिए, इसके अनुरूप जो है ना। अब जैसे मैंने बताया कि भाई उस समय के जो पेड़ थे, माना आज भी वो जंगल बना हुआ है और उसका प्रभाव 30-40 माने 50 साल तक हो गया, 76 से और इस साल तक। यदि बीच में जो सावधानी थी, माने उस समय एक सुरक्षात्मक कार्यक्रम थे, दूसरा निरोधात्मक। सुरक्षात्मक में ये है कि पानी का ठीक ढंग से निकास होना चाहिए और निरोधात्मक में था कि ब्लास्टिंग नहीं होना चाहिए। अब उसका तो लोगों ने सोचा कि ब्लास्टिंग नहीं होगा तो हमारे मकान कैसे बने। मैंने उसी समय 1976 का मेरा लेख है, उसमें हेम और गेंसर दो स्विस भूगर्भ शास्त्री थे, उनकी यात्रा का कार्यक्रम, वो यात्रा की उन्होंने 1937 में। उस समय उन्होंने लिखा है कि कुंवारी पास, माने जो जोशीमठ के आस पास, एक लैंडस्लाइड हुआ जो 10 किलोमीटर चौड़ा था, 3 किलोमीटर चौड़ा, 10 किलोमीटर लंबा और 150 मीटर उसका वॉल्यूम है। इसमें जोशीमठ जैसे शहर टिके हैं, वहाँ कुछ जंगल हो गए। तो उस समय का मेरे शायद, मैंने तो पूरे उनका जो चित्र इत्यादि में किसी से, मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं, मैंने यही पीजी कॉलेज के कोई भूगर्भ शास्त्री थे वो मुझे अनुवाद करके देते थे, और उस समय का लेख लिखा। और हेमती नंदन बहुगुणा को जब मैंने इंदिरा जी को भी भेजा, जिसके कारण वो परियोजना बंद हुई, तो उन सब ने वो बात कबूल की और उसके आधार पर कई निर्णय लिए। क्या आपको इंदिरा गांधी से कोई प्रतिक्रिया मिली थी? असली तो ये है कि जैसे उन्हीं के पत्र है ना, कि उन्होंने फौरन इनको विद्युत अथॉरिटी को वो किया, और उनके बाद जैसे वैली ऑफ फ्लावर का, भिंडार का वो विड्रॉ का पत्र आया मेरे पास 1982-83 में पत्र आया, और उसी समय इंडिया टुडे का ब्लू प्रिंट ऑफ डिजास्टर। अंधाधुंध निर्माण हमें किस प्रकार प्रभावित कर सकता है? आज एक बात जो समझने की है, हमारी नदियों में जो तेजी के साथ जिस रफ्तार से सिल्ट की मात्रा बढ़ रही है, यदि उसको प्राथमिकता के आधार पर नहीं रोका गया तो इसके भयंकर दुष्परिणाम होंगे। कल को नदियों के तल उठेंगे और आपके ऋषिकेश, हरिद्वार इत्यादि जलस्तर बढ़ेगा ना, लोग तो कहेंगे कि ज़्यादा बारिश आ गई, लेकिन सिल्ट आने से नदी का तल बढ़ेगा तो वो ऊपर आ जाएगा, तो जो नदियों के किनारे के आज की जो समस्या होती है उसका आपके दिल्ली पर तक प्रभाव पड़ता है ना। यदि हिमालय से मिट्टी तेजी से बहेगी, तो कई बार आपने सुना होगा कि ITO के पास जल जो है नदी का तल ऊपर उठ गया था, और कई बार आपने सुना होगा कि सितंबर के महीने में, अगस्त सितंबर में नदियों के तल उठ जाते हैं, बारिश कम होती है लेकिन वो सिल्ट आते आते यहाँ नदियों का तल। तो एक गंभीर समस्या सबसे पहले तो ये है कि जो हमारी छोटी बड़ी सभी नदियों से, और उसका असर आप समझ लीजिए कि यदि जो हमारी वो है बेसिन है, मैंने 3 नदियाँ हैं हमारे पूरे हिमालय से जो निकलने वाली, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस,
इन तीनों का जो बेसिन है पूरे देश का 43% से अधिक है, मानी 43 पॉइंट कुछ है। और जो वाटर बजट है इन तीनों नदियों का हमारे देश के, वो 63% है, जिसमें से गंगा अकेली, गंगा का बेसिन है 26% और उसमें वाटर बजट है 25, माने 1/4, और आबादी है 41%। तो गंगा हिमालय से ही इसके साथ माना और भी मिलती है, जो मध्य प्रदेश इत्यादि से भी आती है, और सोन उधर से घाघरा इत्यादि मिल करके। तो ये सारे बेसिन को समझने की ज़रूरत है। यदि हिमालय में गड़बड़ी होती है तो उसका दुष्प्रभाव पूरे उस पर पड़ेगा। आपने सुना होगा 2008 में कोसी में ना, बिहार में कोसी नदी ने 35 किलोमीटर कोर्स चेंज हो गया था, और 8 जिले बिहार के सहरसा इत्यादि, क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने स्वयं यात्रा की है ना, जो बाढ़ आई 1900 उसमें कोसी बैराज वो हो गया था, आपको याद हो या नहीं है। तो अब हमने महसूस किया वहाँ कि कोसी का जो सप्तहरी जिला है नेपाल का, वहाँ पर बैराज बना हुआ है, और नेपाल में पेड़ काटे जा रहे हैं, तो वहाँ की सिल्ट आई कोसी बैराज में और भुगता हमने, माने जो बैराज था यहाँ से उसका मुँह था, उसने इधर यहाँ सिल्ट भर गई थी, यहाँ से खुला। तो आज 35 किलोमीटर कोर्स चेंज हो गया, और मैं करीब 1 महीने बाद गया वहाँ उस इलाके में यात्रा की। तो एक कलानंद मणि थे, उन्होंने उसका पूरा प्रबंध किया। तो आप समझ लीजिए कि वहाँ लोगों को कोई भाषी नहीं था कि नदी फिर इधर आ जाएगी, तो उसके कारण समझने की ज़रूरत है ना, महत्व है ना। इसी प्रकार बिना जंगल के आपने 2010 में सुना होगा लेह में ना प्रलयंकारी बाढ़ आई, लेह नाला खरजुंगला, मैं कई बार वहाँ की भी, क्योंकि वहाँ वो तो ठंडा रेगिस्तान है, वहाँ के बारे में जो परा हिमालय है, ट्रांस हिमालय के बारे में हम सुनते थे वहाँ के बारे में कि सब 65 से 75 मिलीमीटर बारिश आती है साल भर। अब जब अखबार वालों ने कहा कि साहब वहाँ वो हो गया, क्लाउड ब्रेस्ट हो गया, बादल फट गया, आज भी कुछ भी घटना होती है मीडिया वाले कहते हैं कि बादल फट गए, और भाई बादल फटने का एक वो है कि चार, मतलब यह कि 1 घंटे में जब 16 मिलीमीटर बारिश एक जगह पर केंद्रित होगी तो उसको बादल फटना कहते हैं। अब ये किसी को, जब वो वहाँ का हुआ लेह लद्दाख का, लेह नाले का, जिसमें कई लोग भी मारे गए थे, तो मैंने तत्काल यहाँ के एक शर्मा थे, आनंद शर्मा, उन वो इसके मौसम विज्ञान के डायरेक्टर थे देहरादून, उनको भी फोन किया, डायरेक्टर राठौर थे जो डीजी थे भारत सरकार के, मन कि कितनी बारिश हुई, उन्होंने कहा कि 43 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर की करीब, तो उसको आप बादल फटना नहीं कह सकते। अभी जो हुआ मैंने अमरनाथ में, सब कहते हैं बादल फट, मैंने कुछ, मेरे पास लेख आए हैं, उस दिन भी कोई वो नहीं हुआ, पूरे दिन भर अलग अलग चरणों में 75 मिलीमीटर बारिश, भाई उसके ऊपर क्या हुआ, कोई लेख थी क्या थी जिसके कारण थोड़ी सी बारिश में वो टूट गया और अमरनाथ में इतने लोग मारे गए। तो आज बिना देखे दिल्ली से बड़े पत्रकार भी कहते हैं कि बादल फट गए, सरकार की जिम्मेदारी खत्म। भाई वहाँ मानवीय गतिविधियाँ क्या हुई या प्राकृतिक क्या थी, प्राकृतिक मानवीय गतिविधियाँ जैसे जोशीमठ में क्या क्या गड़बड़ी हुई इधर के वर्षों में, जो फिर दरारें बढ़ गई, पहले क्यों नहीं बढ़ी, बीच में क्यों नहीं। तो सवाल यह है कि चौतरफा जिम्मेदारी खत्म हो जाती है जब मीडिया से आ जाता है कि बादल फट गया, वहाँ इतने लोग मर गए, दो लोग मर गए, ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ। भाई आपने ये गांव है और यहाँ रोड बना दी और इस कपर ठीक है तो वो गांव के बीचम बीच आएगा वो पानी,
तो लैंडस्लाइड तो होगा ही। आपने रोड आप देख रहे होंगे ना, रास्ते में मिट्टी नीचे जा रही है, तो बारिश आई वो मिट्टी और नीचे के मकानों में भी चले जाएगी। तो ये तो सारी मानवीय वो हैं, कुछ परिस्थितियाँ होंगी जिसके कारण, जैसे हमारा कोई फोड़ा हो जाता है वो अपने मौसम पर फटेगा, लेकिन उस पर कांटा लग जाएगा तो वो और विस्फोटक हो जाएगा ना, जल्दी उसका पीप बाहर नहीं। तो यही धरती के साथ भी है। तो इस बात को समझ माने विज्ञान सम्मत ढंग से समझने की आवश्यकता है लोगों को, और मुख्य रूप से व्यवस्थापकों। हमको रोड जरूर चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, विकास चाहिए, पर ऐसा विकास नहीं कि जिससे हमारा विनाश हो।